हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम देखिए आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, यस वन ऑफ द एडवांस पजल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यस बिल्कुल वन ऑफ द एडवांस पजल। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल के ट्रेंड जो है बैंकिंग में, जो एग्जाम में जो हमारा पजल आता है, एक एडवांस लेवल का पजल आता है जहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस भी होती हैं। तो कैलकुलेटिव पजल्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द एडवांस पजल। हाँ बिल्कुल मेंस लेवल की पजल है, टाइम भी लगेगा। तो आप क्या करिएगा जो हम डिस्कस करेंगे, तो जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा, आप क्या करिएगा, उस क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करिएगा। पहले आप खुद ट्राई करेंगे, यस बिल्कुल पहले आप खुद ट्राई करेंगे, और खुद ट्राई करने के बाद फिर आपसे होता है नहीं होता है या कितना टाइम लगता है, देन उसके बाद फिर मैं स्टेप बाय स्टेप उसको समझाऊंगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा सा एडवांस होगा, अप्रोच हम समझेंगे, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप उसको समझोगे, और फिर ऐसे ही फर्दर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे। ओके गाइस, सो आप रेडी हैं चीज़ों को समझने के लिए, है ना? तो ठीक है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, क्वेश्चन दिखेंगे, और क्वेश्चन के बाद फिर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हिंट्स भी बनाएंगे, चीज़ें समझेंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, सारा चीज़, ठीक है? ओके, तो कंपटीशन हम कहते हैं कि पहले एक बार आपको क्वेश्चन दिखाएं, तो आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है? एक बार क्वेश्चन को देखें, पढ़ें, समझें, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है? उसके बाद आप ट्राई करेंगे, लेकिन मैं यहाँ डिस्कस करूँगा तो आप क्या करेंगे, इसको पॉज करने के बाद आप उसको ट्राई करेंगे, और फिर उसको आप देखेंगे कि हाँ कि हमारी अप्रोच क्या थी और आपकी अप्रोच क्या थी। चलिए तो क्वेश्चन देखिए प्लीज़। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए 12 फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है? एक्स वाई टी बी सी एच जी एफ यू वी ओ एंड आई हैव बर्थडे इन जनवरी फरवरी मार्च जुलाई सितंबर एंड दिसंबर ऑफ अ सेम ईयर, एंड ईयर इज नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर बोले तो ऑर्डनरी, ठीक है, लीप ईयर नहीं है। एंड द बर्थडे इज आइदर ऑन 21st और 27th ऑफ एनी ऑफ द मंथ, दे हैव डिफरेंट एजेस, एंड यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट में गाइस बोला गया है ऑल्सो द एजेस ऑफ द वंस हैविंग बर्थडे इन मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज इज इवन। इट मीन्स क्या हुआ कि जिस मंथ में ऑड नंबर ऑफ डेज हैं उसमें जो एज होगी वो क्या होगी, इवन होगी, एंड वाइस वर्सा, जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेज है उसमें इवन है, और जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज हैं उसमें ऑड है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया है, इफ लाइक एस हैज बर्थडे इन फरवरी इवन नंबर ऑफ डेज हिज एज इज एन ऑड नंबर। समझ में आ रही बात? जैसे कोई मंथ है तो किसी मंथ में अगर 31 नंबर ऑफ डेज हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ डेज हैं तो जो एज आएगी किसी भी पर्सन की वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। यदि इवन नंबर ऑफ डेज हैं तो एज क्या आनी चाहिए, ऑड आनी चाहिए। क्लियर है गाइस? तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, एंड यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी पजल्स लगाई होंगी जहाँ मंथ बेस्ड पजल्स हैं, जहाँ पे जो हमारा मंथ बेस्ड जो बेस है वो क्या आएगा, मंथ आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मंथ को बेस बनाएंगे। हाँ कैलकुलेटिव है, एज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और यस हम जो कह चुके हैं ऑलरेडी कि वन ऑफ द एडवांस पजल है। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने पॉज करके इसको आप ट्राई करेंगे। तो सीधा सीधा हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बेस बनाता हूँ, ठीक है? तो बेस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपके क्या है, देखो आपके यहाँ 6 मंथ्स हैं। कौन कौन से मंथ्स हैं आपके? 6 मंथ्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है? यहाँ पे आपका दिया है जैन फेब मार्च, ओके गाइस, ठीक है? और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जुलाई सितंबर और क्या है, दिसंबर। आपकी 6 मंथ है और 6 मंथ्स में हमें 12 पर्संस के बर्थडे को अरेंज करना है, ठीक है? ओके, अब हमने इसको बेस बनाया, हर मंथ में कितनी डेट है, 2 डेट है। समझना बात को, हर मंथ में हमारी 2 डेट है। इस तरह की पजल आपने पहले भी की होंगी, लेकिन ये थोड़ी सी क्या है, कैलकुलेटिव है। ओके, हाँ तो परेशान ना होना, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ये 21st और 27, एक मंथ में कितनी डेट है भाई, 2 डेट है, 21st है और क्या है, 27 है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कि आपको कहा गया था, यस आपको कहा गया था, क्या कहा गया था कि जिस मंथ में इवन नंबर ऑफ डेज हैं उसमें जो एज आएगी वो पर्सन की ऑड आएगी, जिस मंथ में ऑड नंबर ऑफ डेज हैं उसमें जो एज आएगी वो इवन आएगी। ये बात क्लियर थी, इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला गया था। एंड हाँ तो अब यहाँ पे बोला गया था नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर मीन्स ऑर्डिनरी ईयर। इट मीन्स क्या हो गया, जो फरवरी है यहाँ पे क्या होगा, 28 नंबर ऑफ डेज होंगे, तो ये क्या होगा, इवन नंबर ऑफ डेज आएगा फरवरी में। एंड
आप जो यहाँ पे देख रहे हैं और कौन सा है भाई, और कौन सा है, सितंबर, सितंबर, यस, सितंबर में भी क्या है, इवन नंबर ऑफ डे। हमारे पास दो मंथ ऐसे हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है, हमने इसको मार्क कर लिया, और बाकी के जो हमारे मंथ, फोर मंथ ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ डेज ऑड है। इट इज क्लियर, राइट, ओके। अब देखो क्या है, ये आपका बेस था, लेफ्ट साइड में आप क्या करेंगे, पॉसिबल कंडीशंस हैं, तो लेफ्ट साइड में आप पॉसिबल कंडीशंस पॉजिटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, हिंट्स की आप जरूरत पड़ेगी बिकॉज एडवांस लेवल की पजल है, ओके। राइट साइड में हम क्या करेंगे, जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उसको हम रखते जाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे आपने इनको पढ़ा, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा, यहाँ पे हमने बेस बना लिया, इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम अपना बेस बना लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो देखिए, अब यहाँ कंडीशंस को देखेंगे, क्या कहता है, व्हाई बर्थडे इज ऑन फरवरी 21st, ये डेफिनेट है, डेफिनेट है, एक हैप्पी मूवमेंट वाला, हैप्पी मूवमेंट वाली बात है कि ये डेफिनेट केस है। तो फरवरी 21st में आपका क्या है, वाई है, ये हमारा क्या है, एकदम डेफिनेट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ो, एंड हर बर्थडे इज बिफोर द बर्थडे ऑफ द वन हैविंग एज 36 इयर्स, जो वाई है वो किससे पहले है, जिसका बर्थ, जिसका जो एज है 36 है। अब इमीडिएटली पहले तो बोला नहीं है, तो पहले है, तो इट मींस जो 36 है वाई के बाद कभी भी हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है, तो हमने हिंट्स के रूप में यहां पे लिख लिया, वाई पहले है किससे गाइस, 36 से पहले, हमें नहीं पता कहां पे आएगा, ठीक है। आगे आप देखिए कंडीशन में क्या कहता है, एज ऑफ वी इज 11 ईयर्स एंड 3% बिटवीन, हम कनेक्टिंग सेंटेंस को एक साथ पढ़ते हैं तो हम प्रॉपर एक अच्छी तरीके से हिंट्स बना लेते हैं। कनेक्टिंग सेंटेंस जैसे मैं क्या कहना हूँ गाइज, कि एज ऑफ वी इज 11 ईयर्स, आगे मैंने सेंटेंस में नजर डाली, क्या कहता है, 3% हैव बर्थडे बिटवीन वी एंड सी, तो वी हमारा नेक्स्ट सेंटेंस में क्या था, कॉमन था, तो ये हो गया कनेक्टिंग सेंटेंस, राइट। एंड नाउ एज ऑफ वी इज 11 ईयर्स, 3% बिटवीन वी एंड सी, ओके, यहां पे बोला गया वी बर्थडे इज नॉट ऑन 21st ऑफ एनी मंथ, ये तीन सेंटेंस कनेक्टिंग सेंटेंस थे, ओके, क्लियर। सो वी का जो है 21st में नहीं है, तो हमने यहां पे इस तरह से कैंसिल आउट कर दिया, वी का 11 है। अब वी का 11 है तो सिंपल सी बात है, वी किस मंथ में होगा, जिसमें नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, इवन होंगे, सिंपल है। तो वी हमारा यहां भी हो सकता है और वी हमारा यहां भी हो सकता है, तो वी की पॉसिबिलिटी ये आ गई और वी की पॉसिबिलिटी आ गई, मैं आराम से इसको समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, वी का 11 है, वी का क्या है, 11 है, और वी और सी में कितने हैं, 3 हैं, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, तो मैंने इस तरह से सर्कल कर दिया। देखो, अगर या तो मैं ऐसा करता हूं, वी और सी में 3 है, अगर मेरे को पता होता कि वी ऊपर होगा सी नीचे होगा, या वी बिफोर होगा सी आफ्टर होगा, तो मैं इस तरह से हिंट बना लेता। तो हिंट्स ना आप अपनी तरफ से अपनी जो आपको अच्छा लगता है अपनी तरह से आप स्टाइल बनाते हैं, तो जैसे अभी आप हिंट्स बनाएं उसका मतलब आपको खुद समझ में आना चाहिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है। हो सकता है मेरी हिंट्स अलग तरह से बन रही है, आपकी हिंट्स अलग तरह से बन रही है, लेकिन जो भी हिंट्स बने वो क्या होना है, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो बनाया इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे भी कर सकता था, नहीं ऐसे भी मैं कर सकता था कि वी एन सी है ना, वी एन सी ऐसे में कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकता था, कोई बात, तो मैंने ऐसे कर लिया, तो मेरे समझ में आता है कि वी ऊपर हो सकता है सी नीचे ऊपर सकता है, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, आगे आपसे कहता है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि पॉसिबिलिटी पे 2 हैं लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है भाई, आगे चल दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमसे कहता है 3% बर्थडे बिटवीन, 3 लोगों का बर्थडे है किसके बीच में, टी एंड द हैविंग 68 एंड टी इज बिफोर द हैविंग 68, और आगे कहता है यू और 68 में कितना है, 2 है, और आगे कहता है एक्स और यू का क्या है, सेम है। ये क्या है, कनेक्टिंग सेंटेंसेस हैं, कनेक्टिंग सेंटेंस को एक साथ पढ़ना मैटर करता है, यस मैटर करता है। तो यहां पे क्या कहता है गाइस, जो टी है और 68 है उसके बीच में 3 है, टी 68 से पहले है। अब 68 तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ रही है, हम देखते हुए चल रहे हैं ना, क्रॉस चेक। देखो द अप्रोच इज, आप क्रॉस चेक करते हुए चलते हैं, क्या पता कहीं भी इंफॉर्मेशन डेफिनेट मिल जाए तो वो आनी चाहिए, एंड साथ साथ हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी कहाँ कहाँ पॉसिबल है, कहाँ कहाँ पॉसिबल नहीं है, ये पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। तो क्या हो गया कि टी जो है वो 68 से क्या है, पहले है, और उसके बीच में 3 है, 68 और यू के बीच में 2 है, ठीक है, और यू और एक्स सेम मंथ में है, यू और एक्स किस में है, सेम मंथ में। आगे अगर हम कहते हैं तो आगे देखो क्या पढ़ता है, आगे क्या कहता है, आगे हम पढ़ेंगे टी बर्थडे इज नॉट इन मार्च, टी का जो बर्थडे है वो मार्च में नहीं है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्लियर है। फिर आपसे आगे क्या कहता है,
टू पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन एच एंड द हैविंग एट, और यहाँ पे कहता है एच इज बिफोर द वन हैविंग एज एट ईयर्स, आठ से पहले, दो पहले क्या है, एच है इतना, और एच का जो बर्थडे है वो सेप्टेम्बर में नहीं है। तो ये कनेक्टिंग सेंटेंस था हमने यहाँ पे पढ़ा, एच का सेप्टेम्बर में नहीं आना चाहिए एक बात, एच जो है किससे पहले है, एट से पहले है। तो कहीं हमने यहाँ पे एक हिंट्स के रूप में लिखा कि एच जो है वो एट से पहले है, कितना पहले, दो पहले है ऐसे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, एक और चीज़ लिखी हुई है, इतना इतना ठीक है कि उसके बीच में कितना था, दो था, और एच क्या था, पहले था, और एच का सितंबर में नहीं था, ये आपने हिंट्स के रूप में लिख दिया। एक्स यंगेस्ट नहीं है, अब ये हमें नहीं पता कि यंगेस्ट कौन है, कि है कि नहीं, यंगेस्ट कितना होना चाहिए हमें नहीं पता। चलो आगे देखते हैं भाई क्या कहता है, नोबडी हैज़ एज लेस देन एट ईयर्स, आठ से नीचे, आठ से कम किसी का एज नहीं है। अब आठ से कम किसी का एज नहीं है तो सबसे यंगेस्ट कौन हो गया, एट ईयर्स हो गया, ठीक है। और एट और यंगेस्ट कौन नहीं था, एक्स नहीं था, इट मीन्स क्या हो गया, जो एट है वो किसका नहीं होना चाहिए, एक्स का नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। आगे आपसे कहता है टू पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन एक्स एंड द वन हैविंग एज 23 ईयर्स, एक्स और 23 में कितना है, दो है, एक्स और 23 में दो है, तो एक्स और 23 में भी कितना है, टू का गैप है। तो मैंने यहीं पे हिंट्स के रूप में ऐसे रिलेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपसे आगे क्या कहता है, कहता है सम ऑफ एज ऑफ वाई एंड एच इज 105 ईयर्स, 105, वाई और एच का जो सम है वो कितना है, 105, तो वाई और एच का जो सम है वो कितना है, 105 है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे कि वाई और एच का जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 105 ईयर्स, ठीक है, 105 ईयर्स, ओके। उसके बाद देखो आगे क्या कहता है, आगे आपसे कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ आई एंड यू इज 10 लेस देन द एज ऑफ वाई, आई और यू का जो भी सम आएगा, आई और यू का जो भी सम आएगा वो 10 कम होगा किससे, वाई से। अब देखो वाई से कम होगा, कितना कम होगा, 10 कम होगा, किसका, आई और यू का, ओके, हाँ इसका कम होगा। चलो हिंट्स के रूप में आपने बना लिया, आप अलग अलग तरह से हिंट्स बना सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि भाई हिंट्स का मतलब क्या है। आगे आपसे कहता है तो क्या कहता है, ओ एंड द हैविंग एज 40 ईयर्स हैव बर्थडे इन द सेम मंथ एंड ओ इज लेस देन 40 ईयर्स एंड 4% बिटवीन एक्स एंड 40, एक्स और 40 के बीच में कितना है, चार है। चलो भाई मैं यहाँ पे रिलेट कर लेता हूँ, एक्स और 40 के बीच में चार है, चलो यहाँ पे रिलेट कर देते हैं, एक्स और 40 के बीच में कितना है, चार लोग हैं, ठीक है। और क्या बोला गया था, ओ और 40 वाला क्या है, सेम मंथ में है, ओ और 40 किस में है, सेम मंथ में है, दोनों सेम मंथ में है, और ओ का जो है 40 से कम है, ये कंडीशन है, ठीक है। हाँ फिर आगे क्या कहता है, आगे देखो एवरेज एज ऑफ ओ एंड बी इज 45 ईयर्स, तो ओ और बी का जो एवरेज है 45 है, तो ओ और बी का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 90 आएगा, 45 एवरेज है तो 90 आएगा सम। फिर आगे हम देख रहे हैं, तो आगे हमसे क्या कहता है, सम ऑफ ओ यू एंड ओ और यू का जो सम है वो 6 लेस देन है किससे, जी से, जी से 6 लेस देन है ओ और यू का सम, ये भी एक कंडीशन, कैलकुलेटिव पजल है, ठीक है। तो फिर आगे आपसे क्या कहता है, टी सी ओ का जो एवरेज है वो 24 है, इसका मतलब 24 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 72 हो गया, तो टी सी ओ का जो आएगा एज वो क्या आएगा, टी सी और ओ का जो एज आएगा वो 72 आएगा, ठीक है। देन आगे आपसे कहता है द एज डिफरेंस बिटवीन टी एंड ओ इज 12 ईयर्स, टी और ओ का जो एज डिफरेंस है वो कितना है, 12 ईयर्स का है, ठीक है। चलो यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, टी और ओ का जो डिफरेंस है वो 12 ईयर्स का है, ओके। और फिर आपसे कहता है टी इज यंगर टू सी, जो टी है वो यंगर है किससे, सी से, टी इज यंगर टू सी, और लास्ट में आपसे कहता है आई इज नॉट इन जैन, आई जो है वो जनवरी में नहीं है, और आपसे ये भी कहता है कि एज ऑफ वन ऑफ द मेंबर इज 64, ये 64 किसी एक का है, और एक्स का 64 नहीं है, एक्स का 64 नहीं है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी, ये आपकी क्या थी, इंफॉर्मेशन थी।
तो गाइज अब यहाँ पे देखो क्या है। हाँ तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख लिया था, सब कुछ देख लिया था, क्लियर है भाई। हमने हिंट्स के रूप में आपको यहाँ पे इतना लिख दिया, आपने देखा कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं हो पाई, कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं हो पाई। अब हमारा पॉइंट क्या होता है? हाँ ये देखो पॉइंट की बात यहाँ पे क्या है। अब टाइम की चिंता मत करना भैया, बिल्कुल जब इस तरह की पजल अगर करने बैठे हैं मेंस में तो यस बिल्कुल वो 10-12 मिनट आपके बिल्कुल लेगा, बिल्कुल लेगा भाई, 10-12 मिनट ले ले, उससे ज़्यादा ले ले, कोई दिक्कत नहीं, पजल होनी चाहिए। अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो गाइस क्या है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम से कम लगे और जिसके रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन लगे, जिसकी पॉसिबिलिटी कम से कम लगे उसकी पॉसिबिलिटी आप पहले चेक करोगे। यस अब जैसे आप देख रहे हैं वाई हमारा डेफिनेट था, वाई डेफिनेट था, वाई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो वाई तो हमने रख दिया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक कंडीशन है कि आई और यू का जो एज है वो वाई से 10 कम है, का कितना होगा हमें क्या पता भाई, 10 कम है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। एक हमारे पास आया था कि वी जो है, वी का जो पॉसिबिलिटी था वो कितनी पॉसिबिलिटी थी, 2 थी। वी का कितना था, 11 था, और वी और सी में कितने थे, 3 थे, ठीक है। ये हमारे पास सेगमेंट है जो बड़ा सेगमेंट है, ठीक है, और एक हमारे पास ये सेगमेंट है जो बड़ा सेगमेंट है एक्स से रिलेटेड, ये सारा सेगमेंट। एक पार्ट ये तो सारा एज के रेस्पेक्ट में, एक पार्ट पर्सन के कंपेरिजन के रेस्पेक्ट में, दूसरा पार्ट और एक तीसरा पार्ट। हमारे पास 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3, इन पार्ट्स को कनेक्ट करते हुए पजल को सॉल्व करना है। वी और सी में क्या है, 3 है, और वी का कितना, 11 है, पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास, 2 है। हम चेक करना स्टार्ट करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। अब जैसे सपोज करो अगर मैं वी को यहां लेता हूं और वी का मैं करता हूं 11, समझना बात को, अगर मैंने वी को यहां किया और वी का 11 किया तो वी और सी में 3 होने चाहिए, तो अबव बिफोर 1, 2, 3 छोड़कर सी नहीं आ सकता, क्लियर है बात। आफ्टर 1 कंपैरिजन ऐसे करोगे ना, 27 के बाद नेक्स्ट मंथ का क्या आएगा, 21 आएगा, 1, 2, 3 छोड़ के यहां पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये केस बना। इसके बाद अब इस केस को आप रिलेट करना चाहोगे, और यहां पे डेफिनेट केस क्या है, 68 से पहले क्या है, टी है, 68 से पहले टी है, और 68 हमारा क्या है, इवन है, इवन है तो किस मंथ में आएगा, जिसमें और नंबर ऑफ डेज होंगे, इससे रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन है। 68 और यू के बीच में 2 होने चाहिए, और यू और एक्स सेम मंथ में होना चाहिए, और एक्स जो है 23 और एक्स में 2 होने चाहिए, और एक्स और 40 में कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, और 40 और ओ सेम मंथ में होना चाहिए, और ओ 40 से क्या है, कम है, ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सो नाउ चेक करते, अब देखो 68, अब मैं कहां पे 68 लूं भाई, अगर आप यहां पे 68 रखते हैं तो 1, 2, 3 तीन छोड़कर, 1, 2, 3 छोड़कर हमारा टी नहीं आ सकता, कैंसिल। अगर आप यहां पे 68 लेते हैं तो 1, 2, 3 छोड़ के हमारा टी आ सकता है, लेकिन हमारा 68 और 2 छोड़कर, अगर आप 68 लेते हैं तो 2 छोड़कर हमारा यू नहीं आएगा, 68 की दोनों पॉसिबिलिटी यहां पे क्या हो गई, कैंसिल हो गई, समझ रहे बात। यहां 68 ले नहीं सकते क्योंकि सितंबर है, सितंबर, सितंबर क्या है, जो इवन नंबर ऑफ डेज है, सितंबर क्या है, इवन नंबर ऑफ डेज है, और 68 क्या, इवन है, तो यहां पॉसिबिलिटी है ही नहीं। पॉसिबिलिटी यहां बनाओ, अगर मैं यहां पे 68 लेता हूं तो 1, 2, 3 छोड़कर मेरा टी नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं 68 यहां लेता हूं तो 1, 2, 3 छोड़कर टी नहीं आ सकता, कैंसिल आउट, ठीक है। अगर मैं 68 यहां लेता हूं, 1, 2, 3 छोड़कर यहां पे टी आ सकता है, यहां पे टी आ सकता है। अगर मैं 68 को यहां लेता हूं, समझना, तो 1, 2, 3 छोड़कर टी आ सकता है, 68 के 2 छोड़कर क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। अगर यहां 68 लेके चल रहे हैं तो 2 बिफोर छोड़कर यू नहीं आ सकता, आफ्टर 2 छोड़कर अगर आप यू को रखते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या रखते हैं, एक्स रखते हैं, यहां पे यू रखते हैं तो यहां पे क्या रखते हैं, एक्स रखते हैं, क्योंकि यू और एक्स क्या है, सेम मंथ में। एक्स और 40 के बीच में क्या होना चाहिए, 4 होने चाहिए, एक्स और 23 के बीच में 2 होना चाहिए, 2 छोड़ के तो 23 हमारा, देखो 2 छोड़ के 23 इधर भी नहीं आएगा, 2 छोड़ के 23 यहां भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे आप क्या कर रहे हैं, 68 लेके चल रही थी, समझ रहा बात को, 68 यहां पे लेते हैं तो टी बिफोर आ जाएगा, 68 के 2 छोड़कर ऊपर हमारा
यू नहीं आ रहा था, नीचे दो छोड़कर हमारे यू आया तो यू के साथ में एक्स, और एक्स और 23 में दो, नीचे दो छोड़कर आएगा नहीं, ऊपर दो छोड़ के भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 68 की पॉसिबिलिटी यहां पे क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है। हाँ, अगर मैं 68 यहां लेता हूं, समझना, अगर मैंने 68 यहां लिया तो एक दो तीन छोड़ के यहां पे टी आ जाएगा, पॉसिबल है। दो छोड़ के यू हमारा अब आ नहीं सकता, यू के साथ एक्स आएगा, नॉट पॉसिबल। नीचे दो छोड़कर भी हमारा यू नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कैंसिल। 68 यहां पे आप रख नहीं सकते, यहां 68 रखोगे तो टी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक बेस बनाया जिसकी पॉसिबिलिटी कम थी, इसको क्रॉस चेक किया और हमारी बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब अनदर डेफिनेट हमारी कंडीशन क्या आ गई कि यहां पे हमारा V11 नहीं होगा, क्योंकि हम इसी को क्रॉस चेक कर रहे थे, तो हमारा वी यहां पे 11 के साथ क्या हो गया, कंफर्म। वी से वी और सी में तीन है, आफ्टर नॉट पॉसिबल, देख रहे हैं आप, बिफोर 1 2 3 छोड़कर यहां पे हमारा सी इज डेफिनेट, सी क्या हो गया हमारा, डेफिनेट हो गया। नाउ इतना कंफर्म है, क्रॉस चेक द्वारा से उसी करेंगे हम। नाउ 68, देखो 68 अगर आप यहां पे लेते हैं तो तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर हमारा टी आ सकता है, ठीक है। 68 आने पे टी आ जाएगा, लेकिन 68 के दो छोड़कर यू, 68 यहां लोगे दो छोड़कर हमारा यू नहीं आएगा, क्योंकि यू के साथ क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए सेम मंथ में, तो 68 इज नॉट पॉसिबल। अगर आप यहां पे 68 लेते हैं, अगर आप यहां पे 68 लेते हैं तो एक एक दो तीन छोड़कर यहां पे क्या आ सकता है, टी आ सकता है, ठीक। 68 यहां पे लिया तो टी आ सकता है, दो छोड़कर फिर हमारा क्या आएगा, यू आएगा, फिर एक्स नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 68 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, क्योंकि सितंबर 68 इवन है। अब 68 की पॉसिबिलिटी देखो, यहां पे अगर पॉसिबिलिटी लेते हैं 68 की, यहां पे पॉसिबिलिटी लेते हैं तो एक दो तीन छोड़कर हमारा यहां पे क्या आ सकता है, टी आ सकता है। अगर आप यहां पे 68 लोगे, ठीक है, यहां आप 68 लोगे, पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 1 2 3 यहां पे क्या आ सकता है, टी। यहां पे यदि आपका टी आएगा तो 68 और यू में क्या होने चाहिए, दो होने चाहिए, ऊपर दो छोड़कर यू आ नहीं सकता क्योंकि एक्स नहीं आएगा, नीचे दो छोड़कर यहां पे क्या आ सकता है, यू, और यहां पे क्या आ सकता है, एक्स, पॉसिबल है। एक्स और 23 में दो, एक दो छोड़कर 23 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और एक्स और 40 में कितने होने चाहिए, चार, 1 2 3 4, यहां 40 अगर आएगा, यहां अगर मैं 40 लूंगा तो भाई देखो, अगर मैंने यहां पे 40 लिया तो 40 और यू सेम मंथ में है और यू 40 से क्या है, कम है। अगर यहां पे आप एक्स लोगे तो 1 2 3 4 40 लोगे, 40 से यू क्या है, 40 से ओ क्या है, कम है, और यहां पे ओ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। 68 की पॉसिबिलिटी यहां पे क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटी फिर कैंसिल है। 68 अगर मैं यहां पे लेता हूं तो 1 2 3 छोड़कर टी नहीं आएगा, 68 यहां भी कैंसिल। 68 अगर मैं यहां पे लेता हूं तो 1 2 3 छोड़कर टी यहां पे आ सकता है, ठीक है। दो छोड़कर यू नहीं आएगा, दो छोड़कर यहां पे यू नहीं आएगा क्योंकि फिर एक्स नहीं आएगा। तो 68 यहां पे रखने पर एक दो तीन छोड़कर टी तो आ जाएगा, लेकिन 68 के दो छोड़कर यू आना चाहिए, दो छोड़कर यू यहां भी नहीं आएगा, और दो छोड़कर यू यहां लोगे तो एक्स नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पे आप 68 रखोगे क्योंकि बाकी जगह आएगा नहीं, तो यहां पे 68 आपका हो जाएगा कंफर्म। 1 2 3 छोड़कर यहां पे हो जाएगा टी कंफर्म, सारे क्रॉस चेक कर दिए हमने, दो छोड़कर यू आएगा नहीं क्योंकि एक्स नहीं आएगा, नीचे दो छोड़कर आपका यू कंफर्म, और यहां पर आपका एक्स कंफर्म। ये बात क्या हो गई, डन। अब एक्स रिलेटेड देखो, एक्स और 23 में दो है, दो नीचे छोड़ के 23 आएगा नहीं, समझ गए बात को भैया, आफ्टर भी हो सकता था, बिफोर भी हो सकता था, दो ऊपर छोड़ के यहां पे क्या है, 23, ऐसे नीचे पॉसिबल नहीं था। अब एक्स और 40 में क्या है, चार है। अगर मैं अब देखता हूं 1 2 3
फोर, अगर मैं 40 रखता हूं तो 40 के साथ क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए, नॉट पॉसिबल. आफ्टर एक्स और 40 में 1 2 3 4 क्या आ गया, 40, और यहां पे क्या आ गया, ओ. कंफर्म? देखो मैं सारे क्रॉस कर रहा हूं, आपको यहां पे सीखना क्या है गाइज, परेशान मत होना, अगर दम रखते हो तो सीखना, दम रखते हो तो सीखना, और जो दम नहीं रखता है बिल्कुल जरूरत नहीं है. हाँ, मीन्स उसी का है जिसमें है दम, जिसमें है दम वही है बाजीराव सिंघम. सिंपल सी बात है. इसीलिए जब तक आप हर पॉसिबल केस को क्रॉस चेक करना नहीं सीखेंगे, नहीं लगता है कि मेंस में हम पजल्स को कर पाए. तो हमें हर तरह से उस चीज़ को तैयार करना है जिससे कि हर पॉसिबल केस को हम क्रॉस चेक कर पाएँ. तो यहाँ इस तरह से क्रॉस चेक कैसे होता है, तो वो मैं इस पजल के थ्रू आपको बता रहा हूँ कैसे हम क्रॉस चेक करते हैं. ओके नाउ, तो इसलिए पेशेंस के साथ समझते जाना कि हाउ टू क्रॉस चेक. यहाँ आपका इतना कन्फर्म हमने कर दिया, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई. एक्स का हमारा 64 नहीं है, तो ये हमने यहाँ पे रिलेट कर दिया. देखो इसको हमने रिलेट किया, इसको हमने रिलेट किया, यू एक्स हमारा सेम मंथ आ गया, एक्स और 23 में हमारे दो आ गए, ये हमारा हो गया, ये भी हो. तो ये जो सेगमेंट है हमारा, ये सेगमेंट, ये हमने सारा यहाँ पे डन कर दिया, ये सेगमेंट सारा हमने डन कर दिया. अब उसके बाद हम चलेंगे तो हमारे पास ये सेगमेंट है, ठीक है. 8 से पहले क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, और एक्स का 8 नहीं है. 8 क्या इवन है, देखो यहां 40 है, ठीक है. अगर मैं ओ का यहां पे 8 रखता हूं, ठीक है, ओ का मैं 8 रखता हूं, तो 2 छोड़ के हमारा एच आना चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल. यहां भी 8 नहीं आएगा, यहां तो 8 आएगा ही नहीं, सितंबर भाई इवन नंबर ऑफ डेज है. अगर मैं यहां पे 8 रखता हूं, समझना, 2 छोड़ के आपका एच आ सकता है, पॉसिबल है, लेकिन आप सारा क्रॉस चेक करने के बाद कंफर्म करना. अगर 8 यहां पे तो आएगा नहीं, एक्स का 8 नहीं है. अगर यहां पे मैं 8 रखता हूं तो 2 छोड़कर एच नहीं आएगा, यहां पे 8 आएगा नहीं, यहां पे 8 आएगा नहीं, यहां पे अगर मैं 8 रखता हूं 2 छोड़कर एच नहीं आएगा, तो हमारा 8 जो हो गया वो क्या है, कंफर्म. 8 कंफर्म, 2 छोड़ के हमारा एच यहां पे क्या हो गया भाई, कंफर्म हो गया. चलो यहां पे मैं एच को कर देता हूं कंफर्म, ठीक है, ये कंफर्म कर देते हैं. चलो जिससे आपको क्लियर रहे, तो इसलिए मैंने यहां पे इस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो. ये आपकी कंफर्मेशन है, ये भी हमारा क्या हो गया, डन हो गया. ये सारी चीज हमारी क्या होगी, डन होगी, ठीक. अब देखो, अब आप रिलेट करेंगे तो अब आपकी कैलकुलेशंस आएंगी. यहां जो कैलकुलेशंस है इसके थ्रू आप चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, समझेंगे आपकी क्या क्या कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है. अब इनमें से हमारे पास ऐसा कौन सा है जो हमें मिल चुका है, तो देखो यहां पर आप देखेंगे, ये आपका मिला है एच का कितना भाई, 68 है. एच का 68 है, तो एच का जब 68 है, दोनों का सम कितना है, 105, तो वाई का कितना आएगा, 68 में से आप 105 माइनस कर देंगे. 68 में से 105 क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे. हाँ, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 37. तो वाई का जो आएगा वो आएगा 37. ये रिलेट हो गया. चलो अब y से रिलेट करता हुआ क्या है, i और u का जो सम है वो y से 10 क्या है, कम है. y का कितना, 37, तो इनका जो सम आएगा वो 27 आएगा. सम कितना आएगा, 27 आएगा. अब सम 27 आएगा तो u का कितना है, 8 है, तो i का जो हमारा आएगा, i का हमारा आएगा 19. 27 में से हमने 8 घटा दिया, 19 आ गया, ठीक है. तो आई का हमारा 19 आ गया. अब आई हमारा कहां, देखो जनवरी में आई है नहीं, यहां पे आई आएगा नहीं, यहां भी आई नहीं है, यहां भी आई नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो यहां पे हो गया आई, और आई का हो गया गाइज 19. ये कंफर्म, ये निकल गया. चलो बहुत बढ़िया, ये सारी चीज आपकी यहां से ये कैलकुलेशन डन हो गई, ये कैलकुलेशन डन हो गई, ठीक है. इतनी कैलकुलेशन आ गई. अब आपके पास क्या, देखो आपके पास एक तो ये है O और U का सम. देखो यहां पे देखो U का कितना है, 8 है, U का 8 है, G से कम है. अब U का 8 है, यहां पे क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि 6 कम है O और U का जो सम है. तो यहां पे G का जो आएगा एज उससे 6 कम है, किसका, O और U का, तो अभी हमें पता नहीं. O का हमारे पास आना चाहिए, अभी तो हमारे पास आया नहीं है, ठीक है. अच्छा,
अब देखो हमारे पास क्या बचा है, और बी का सम कितना है 90 है, ये हमारे पास बचा है। एंड एक यहां पे जो एवरेज था, एवरेज दिया गया था TCO, TCO का जो सम है वो 72 आएगा क्योंकि एवरेज 24 था। TCO का सम आएगा 72 और एवरेज क्या है 24 था। नाउ हमारे पास बचे पर्सन में अगर हम देखते हैं, एक तो हमारे पास यहां स्पेस बचा, एक V11 हमारा हो चुका है, O हो चुका है, A हो चुका है, U हो चुका है, X हो चुका है, C हो चुका है, H हो चुका है, एक हमारे यहां पे प्लेस बचा और एक हमारा प्लेस बचा यहां पे पर्सन के लिए। 1, 2, 1, 2, 3, 3 हमारे पास प्लेसेस बचे। पर्सन हमारे पास कौन कौन से हैं देखो, अगर हम देखें यहां पर T जिसका एज बचा हुआ है, C जिसका एज बचा हुआ है और O जिसका एज बचा हुआ है, TCO तीन हमारे पास पर लोग हैं, T है, C है और O है, ठीक है। उसने कहा था किसी एक का हमारा 64 होना चाहिए, इन तीनों का जो एवरेज है वो 72 है। मैं यहां पे आपको, चलो इसको मैं हटा देता हूं, फिर आप रिप्रेजेंट देखो आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखना जरा, आपका TCO का जो एवरेज है 72 है, किसी एक पर्सन का जो एज है वो क्या होना चाहिए 64। क्लियर हो जाता है तीनों में से किसी का भी 64 नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों में से किसी एक का भी आपने 64 किया तो बाकी दो का जो एडिशन है वो 8 हो जाएगा, और 8 से कम तो एज किसी की है नहीं, और 8 ऑलरेडी हो भी चुका है, समझ गए, 8 से कम तो किसी की एज ही नहीं है, तो बाकी दो का, दोनों का एडिशन 8 कैसे कर दोगे आप, नहीं होगा ना। हाँ तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि यहां पे अगर हम देखते हैं तो इसीलिए तीनों का जो एज है वो 64 नहीं हो सकता, तो 64 किसका होगा, 64 किसका होगा, या तो आपकी समझ में आनी चाहिए 64 होगा किसका। अब देखो 64 किसका करें हम, ओ का है 64 नहीं है, ठीक है, ये 64 यहां पे है नहीं है, ये V11 है 64 नहीं, यहां पे 64 नहीं, ये 64 नहीं, X का 64 है नहीं, C का 64 नहीं होगा, ये 64 नहीं है, ये 64 नहीं है, ये 64 नहीं है, T का 64 नहीं है, तो यहां पे जो एज आएगा वो कितना आएगा 64, यहां पे जो एज आएगा वो क्या आएगा 64 आएगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई कि यहां पे एज 64 है। अब ये 64 किसका आएगा, ये आपको देखना है कि 64 किसका आएगा। तो गाइज अब देखो 64 आ चुका है, 64 आ चुका है, अब सुनो, अब रिलेट करने की कोशिश करो भाई किसका आ सकता है। देखो हमारे पास जी बचा है, एफ बचा है, देखो आपके पास क्या बचा है, जी बचा, एफ बचा, बी बचा, ये पर्सन आपके पास बचे, ठीक है, क्योंकि पर्सन में अगर आप देखते हैं एक पर्सन यहां पे भी आना चाहिए, ठीक है, बाकी ये सारे पर्सन आ चुके हैं, एक पर्सन यहां पे भी आना चाहिए और एक पर्सन यहां पे आना चाहिए, तो हमारे पर्सन बचे तीन और हमारे जो एज हैं वो भी हमें रिलेट करनी है। अब 64 किसका है, अब देखो सिंपल सी बात देखना, और बी का जो सम है वो 90 होना चाहिए, ठीक है, ओ का 40 से क्या है कम है, ये कहा गया था ओ का 40 से क्या है कम है, अगर ओ का 40 से कम है, ये बात क्लियर हो गई, ओ का 40 से कम है तो भाई बी का क्या है 50 से ज्यादा होगा, अरे होगा कि नहीं होगा भाई, यार समझो ना बात को, उसमें कंडीशन में कहा गया था, जैसे आपने देख रहे होंगे, आपने आगे कंडीशन में देखा है यहाँ पे, मैंने हिंट्स भी बनाई थी उसकी, द ओ एंड द वन हैविंग 40 इयर्स हैव बर्थ इन सेम मंथ, ओ एज इज लेस देन 40 इयर्स, दोनों का जो क्या समय कितना है 90 है, ओ जो है 40 से कम है, तो जाहिर सी बात है बी का जो एज है वो 50 से ज्यादा होगा, क्लियर है बात। अब 50 से ज्यादा होगा तो बी का जो एज है 50 से ज्यादा होगा, यहाँ बी नहीं हो सकता, या ओ है या बी है या आई है या यू है या एक्स है या सी है या एच है, ये बी नहीं हो सकता, ये बी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया बी हो गया, ये गेम क्लियर हो गया। अब ये बी 64 हो चुका है, तो भैया जब बी का 64 है तो ओ का कितना आएगा, ओ का कितना आएगा, 90 में से आप 64 माइनस कर दो, 90 में से 64 माइनस कर दो तो क्या हो गया 26 हो गया, तो ओ का जो हमारा एज आया वो कितना आ गया 26, समझ में आ गई बात, ओ का एज आ गया 26,
ये बात क्लियर होगी। अब ओ का जो एज है वो 26 है, यहां पे कंडीशन थी गाइज, यहां पे कंडीशन थी ये वाली, ओ का आपका 26 है, यू का 8 है, दोनों का एडिशन अगर आप करते हैं 34 होता है, दोनों का एडिशन करते हैं 34 होता है। इसका 6 कम था किससे, जी से, तो 34 प्लस 6 जी का कितना हो गया, 40 हो गया। चलो भाई जी का हमारा एज आ गया 40, ये बात भी निकल गई। चलो इतनी आपकी बात क्लियर हो गई, जी का हमारा क्या आ गया 40 आ गया और बी का कितना आ गया 64। एफ का देखो क्या होता है, हमारे यहां पे हम देख रहे थे, यहां पे हम देख रहे टीसीओ, टीसीओ में से ओ का क्या है 26 है, ओ का क्या है 26 है, हमारा टी और सी इसका एज क्या होगा, और तीनों का जो एडिशन हो 72 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 72 होना चाहिए। हाँ अब देखो उसने कहा था जो वाई है, एक कंडीशन थी वाई जो है 36 से पहले है, अब वाई के बाद 36 तो होना चाहिए, यहां पे 36 यानी 23 है, यहां पे 68 है, यहां 36 हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, और यहां पे 36 हो सकता है दो पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है दो पॉसिबिलिटी है। तो गाइज अब यहां पे क्या था देखो, अब यहां पे हम देखें 72 है, अब 72 में से अगर आप 26 माइनस करते हो तो हमारे पास कितना भाई, हमारे पास कितना बचेगा 46 बचेगा, ठीक है। तो टी और सी का जो एडिशन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 46 आना चाहिए, आप समझना टी और सी का जो एडिशन है वो 46 आना चाहिए। अब बात ये है कि यहां पर कहा गया था टी और ओ का जो डिफरेंस है वो 12 साल का है, क्या बोला गया गाइज, टी और ओ का जो डिफरेंस है वो 12 साल का है, ओ का हमारा कितना है 26 है, अब 12 का डिफरेंस क्या है, तो प्लस के रेस्पेक्ट में हो सकता है माइनस के रेस्पेक्ट में हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। यदि हम प्लस के रेस्पेक्ट में सोचें, सपोज करो आप सोचते हैं प्लस के रेस्पेक्ट में 26 प्लस 12, अगर 26 प्लस 12 करेंगे तो टी का कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, अगर टी का 38 होता है तो क्या बोला गया था, टी जो है सी से छोटा है, टी सी से छोटा है ऐसा बोला गया था। अगर हम 38 कर देते हैं तो गाइस 46 में से 38 माइनस करोगे, 46 में से 38 माइनस करोगे तो आपके पास 8 आ जाता है, और जबकि टी हमारा छोटा होना चाहिए सी से, तो टी छोटा कैसे हो जाएगा, 38 सी से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि सी का कितना आएगा फिर 8 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम देखो समझना, अगर हम टी और ओ का डिफरेंस कितना 12 साल है, 12 ईयर्स का है, 12 ईयर्स का है, तो 26 प्लस अगर हम 12 38 लेते हैं तो सी का हमारा बचता है 8, और सी का 8 बचता है तो सी से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो गया ये पॉसिबिलिटी क्या हो गया कैंसिल, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल है, मींस क्या होगा माइनस के रेस्पेक्ट में होगा, तो माइनस के रेस्पेक्ट में होगा तो टी का जो एज है 26 माइनस 12 करोगे तो टी का कितना बचेगा 14, समझ रहा बात को, टी का बचेगा 14 और टी का बच गया 14, ये 14 बचा, टीका 14 है। अब 46 में से अगर 14 माइनस करोगे, 46 में से अगर 14 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 32 बचेगा, कितना बचेगा 32 बचेगा, अब 32 बचेगा तो 32 किसका हो जाएगा सी का, और सी का 32 हो जाएगा तो हमारा जो टी है वो छोटा हो जाएगा सी से, तो ये बात आपकी यहां पे कंफर्म आ गई, क्लियर है, बिल्कुल यहां पे कंफर्म होना चाहिए। तो ये बात आपकी हो गई कंफर्म कि यहां पे टीका क्या, टीका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो टीका आप कर दो 14, ठीक है, और सी का कितना हो जाएगा 32, सी का हो गया 32, क्लियर होना चाहिए भी बिल्कुल एकदम, हाँ बहुत एकदम ऑसम पजल है, यहाँ पे आपका ही क्लियर है। अब गाइस बोला गया था कि जो आपका यहाँ पे रफ हो गया, तो यहाँ पे आपसे बोला गया था जो वाई है, वाई जो है किससे पहले है 36 से पहले है, ये आपको बोला गया था वाई 36 से पहले है, मैंने कुछ हिंट्स रफ कर दी है ना, तो वाई जो है 36 से पहले है तो वाई यहाँ पे है, तो 36 किसका हो सकता है, ये तो कन्फर्म है, ये हो चुका है जी 40 हो चुका है, वी 11 है, आई आपका 19 है, यू 8 है, एक्स अब ये बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 36, तो इसका एक्स का क्या हो गया 36 हो गया, तो सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई अरेंज हो गई, आपका कोई भी नहीं बचा, तो सारा अरेंज हो गया। तो ये क्या था कैलकुलेटिव पजल था, तो गाइज कैलकुलेटिव पजल था, यस आप एक बार देख लीजिएगा, एक कैलकुलेटिव पजल है आपका, इस पजल में आराम से 10 से 12 मिनट बिल्कुल लगना है जब आप खुद इंडिपेंडेंट करते हो, ठीक है, अप्रोच मस्ट बी क्लियर, अप्रोच एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ तो अच्छी अच्छी पजल्स के लोग लेकर अगर हम बात करते हैं, तो जैसे यूट्यूब पे हम सेशंस वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे जैसे हम करें तो सारी पजल्स को सारी अप्रोच को डिस्कस करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है ना, आप समझ रहे बात, इसलिए बैचेज जैसे ऑनलाइन बैचेज हैं तो उसमें भी हम डिस्कशन करते हैं, तो उसमें एक हेल्दी डिस्कशन होता है, उसमें डेप्थ में डिस्कशन होता है, तो ऐसे ही अच्छी पजल्स के लिए और अच्छी पजल्स के लिए, क्योंकि पजल्स का जो वेटेज है जो हम एग्जाम्स में देख रहे हैं, तो पजल्स का वेटेज रीजनिंग के पार्ट पे पजल्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है,
सबसे ज्यादा, चाहे वो आरआरबी का एग्जाम है, चाहे वो प्री का एग्जाम है, चाहे वो मेंस का एग्जाम है, क्लर्क का एग्जाम है, पीओ का एग्जाम है, एसबीआई का एग्जाम है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का एग्जाम है, तो पजल का वेटेज सबसे ज्यादा है। और पजल्स में जब तक आपकी पजल्स में कमांड नहीं बनेगी, जब तक आपकी पजल्स में कमांड नहीं है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम रीजनिंग में हमारी चीजें अच्छी नहीं हो पाती है। तो पजल्स में अच्छी कमांड बनाने के लिए, अच्छी कमांड बनाने के लिए आप पजल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और पजल का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम बहुत अच्छे लेवल की पजल्स और बेसिक से एडवांस, समझ रहे हो ना, बेसिक से एडवांस, हाँ, प्री से लेकर मेंस, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे वो पीओ का हो, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का हो, चाहे वो एसबीआई का हो, एक बार इस तरह से हम चीजों को समझेंगे कि आने वाले किसी भी एग्जाम में हम पजल्स को अच्छे से सॉल्व कर सकें, कोई फोबिया ही ना रहे, कोई डर ही ना रहे। पजल्स समझो जैसे पजल को देखा आपने, अटैक, तो इस तरह से एक बैच आ रहा है, जैसे कि 23rd अगस्त को एक बैच आ रहा है। उस बैच में हम पजल्स पूरा बेसिक से एडवांस डिस्कस करेंगे, जो आपका स्टार्ट हो रहा है, कमिंग 23rd अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है गाइज। थर्सडे से सैटरडे आपकी 3 डेज क्लास होगी, ठीक है, 12 to 1, 3 डेज आपकी क्लासेज हैं, जिसमें हम प्री से लेकर मेंस लेवल की सारे पजल्स एंड सारे टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। पजल चाहे वो बॉक्स की हो, पजल चाहे वो मंथ की हो, पजल चाहे वो फ्लोर की हो, फ्लैट की हो, कैटेगराइज हो, ब्लड रिलेशन हो, डिस्टेंस बेसिस हो, ईयर बेसिस्ड हो, डायरेक्शन बेस्ड हो, किसी भी तरह की आपकी जो पजल है वो उसमें डिस्कस होगी। एंड साथ साथ आपके सिटिंग अरेंजमेंट भी डिस्कस होगा। सिटिंग अरेंजमेंट में आपका चाहे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो, स्क्वायर बेस्ड हो, चाहे रेक्टेंगुलर बेस्ड हो, सर्कुलर के अंदर सर्किल हो, स्क्वायर के अंदर सर्किल हो, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर हो, या फिर आपका रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल की बात हो रही हो, या आपके ब्लड रिलेशन वाली सिटिंग की बात हो रही है, या आपके अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस की बात हो रही है, एंड साथ साथ आपके लीनियर सेटिंग की अगर हम बात करें, स्ट्रेट रो, पैरल रो, स्ट्रेट रो में नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग विद वेरिएबल्स एंड ब्लड रिलेशन ऑल्सो, जहाँ सिटिंग विद रिलेशन की बात हो रही है, एंड अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन स्ट्रेट रो में की बात हो रही है, या पैरल रो की बात हो रही है, तो ऑल टाइप ऑफ पजल्स, क्लर्क टू पीओ, ऑल टाइप ऑफ पजल्स, बेसिक से एडवांस, सारे लेवल की पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट हम डिस्कस करेंगे इस बैच में, जिसके बाद किसी भी एग्जाम में अगर आप रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और वहां पे पजल सेटिंग का क्वेश्चन आता है, तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच इस तरह से क्लियर हो जाए कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो ठीक है गाइज, तो आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वेलकम है आपका, उसको आप ज्वाइन करिए और फिर अच्छे से अप्रोच सीखिए और फिर अच्छे से परफॉर्म करिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।